सभी को जय हिंद। मैं परवेज हवलदार, रिटायर्ड आर्मी, फाउंडर रूरल डिफेंस अकेडमी। आज हम ये देखते हैं कि हमारे इस एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अदर स्टेट से भी बच्चे हमारे एकेडमी में आकर के ज्वाइन हो रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बारे में हम एक एक करके एक एक से बातचीत करेंगे। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राकेश। टेल मी अबाउट आवर एकेडमी। व्हाट इज योर फीलिंग? गुड 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 गुड। Are you comfortable here? Yes, about food and accommodation, are you comfortable? Okay, next, what is your name? My name is Nirish. I am from Tamil Nadu. First day, I am still here in 4 days. First day, I am coming more than 3 rounds is very tough for me. But today, I will put more effort and today, I will round 15 rounds. How much? 15 rounds. 15 rounds you done today. Yes, sir. Okay, how do you feel? Feeling comfortable? Feeling much better. What about the environment? Everyone is cooperating with everyone. Okay. My name is Vipo and I am from Maharashtra, and the training is so tough, but according to me it's my first day. I have done very well according to my capacity, and the food is very good, as well as the living place, the hostel management, everything is very good. और एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जो कि जो राकेश है, जो कि मैं 9 पैरा फील्ड के अंदर जब मैं आर्मी में ज्वाइन हुआ था, उस समय इनका जो फादर थे वो मेरे सेक्शन हवालदार थे। एक टाइम मैं उनके पिताजी का रिक्रूट मतलब स्टूडेंट था। एक ऐसा मौका आया हमारे पास आज कि उनका बेटा मेरे पास स्टूडेंट बनकर के आया, सेम एज इट इज। एक जो नीरेश इज ऑल्सो फ्रॉम तमिलनाडु, वन ऑफ माई फ्रेंड कर्नल वेंकटेशन, वो भी मेरा फ्रेंड था। वो भी एक टाइम पे इंडियन आर्मी के अंदर सोल्जर था, वहां पे डिपार्टमेंटल एग्जाम लिख करके उसने क्या किया, एग्जाम लिख के पास करके आज एक कर्नल रैंक में पहुंचे। उनके रेफरेंसेस में आज ये लड़का यहाँ पे आया तमिलनाडु से। उसी के साथ साथ जो वैभव है, ये जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते, इवन इनके फादर भी मेरे साथ में सर्विस किया है, जो कि 9 पैरा फील्ड के अंदर इनके फादर के साथ मैंने कम से कम 15-20 साल सर्विस किया है, और उसी के एक रेफरेंस के ऊपर वो भी लड़का है आज यहाँ पे आकर के उनका हमारे पास ट्रेनिंग ले रहा है। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे एकेडमी के लिए और मेरे 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। मैं इस वीडियो के तहत मैं मेरे 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट के जो भी आज जो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन में चला रहा हूँ, जो भी अभी तक हमारे एकेडमी से 200 से भी ज्यादा यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं, और जो कुछ भी मैं यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो भी काम कर रहा हूँ, इसका पूरा श्रेय जो है मेरा 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट को जाता है। और इसी तरह से फिर ये हमारा जो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है, ये सिर्फ 9 पैरा फील्ड के लिए सीमित नहीं होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी जो इंटरेस्टेड बंदा, जिसका जो सैनिक का जो रिटायर्ड पर्सन हो या सर्विंग पर्सन हो, उसका बेटे का फिजिकल फिटनेस नहीं हो रहा या एग्जाम में क्लियर नहीं हो रहा, तो हम उसको यहाँ पे अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग दे करके उसको 100% फौज में सक्सेस कराने की कोशिश करेंगे। और ये जो भी इसका फायदा उठाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके इसका आप फायदा उठा सकते हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक।